हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यागी उडा एंटेना हम यूज़ करते हैं एंटेना रिसेप्शन के लिए, ठीक है, लेकिन यूएचएफ बैंड के लिए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि यूएचएफ बैंड का लोअर बैंड 30 मेगाहर्ट्ज़ से शुरू होता है, हायर बैंड 300 मेगाहर्ट्ज़ पे खत्म होता है, तो सेम एंटेना हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। जो एंटेना लोअर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हायर के लिए नहीं काम आ पाता है। इसका रीज़न क्या है कि मान लेते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी जो है मेरा वो है एफ, ठीक है, तो एफ एफ पे मान लेते हैं मेरा गेन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये पीक क्या शो कर रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी पे पावर ज़्यादा रेडिएट हो रहा है। अब हार्मोनिक्स हम लोग जानते हैं, हार्मोनिक्स क्या होता है कि अगर f पे पीक आ रहा है तो ऑड हार्मोनिक्स है, तो f पे है 3f पे आएगा, 5f पे आएगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल हार्मोनिक्स है तो f, 2f, 3f, जो मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसको हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो क्या होगा, अब ये फिर से पीक उठेगा लेकिन इस तरह का, तो मान लेते हैं कि ये है 2f, ट्वाइस फ्रीक्वेंसी। फिर इसी तरीके से फिर जब तीसरा फ्रीक्वेंसी आएगा वहां पे फिर ये पीक बनेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है ना। मान लो ये जो f था वो 30 मेगाहर्ज था, तो 2f क्या होगा 60 मेगाहर्ज, 3f क्या होगा तुम्हारा 90 मेगाहर्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एंटेना है जिसको कि हम लोग 30 मेगाहर्ज के लिए डिजाइन किए हैं तो वो इतना पावर दे रहा है, हाई पावर, वो एंटीना 60 मेगाहर्ट्ज पे भी रेडिएट करेगा, लेकिन अब पावर कितना हो गया, घट गया। वही एंटीना 90 मेगाहर्ट्ज पे भी रिसीव करेगा लेकिन अभी और नीचे हो गया इसका पावर। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये हायर में जाते जाएगा तो ये जो हार्मोनिक्स रहता है उसका जो ये लेवल है वो घटते जाएगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस कम होगा, वो उतना ज़्यादा सिग्नल जो गेन है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोअर के लिए हम लोग एंटीना डिज़ाइन करते हैं उसको हायर फ्रिक्वेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी में जाते जाते उसका हार्मोनिक्स जो होता है वो बहुत सारा हो जाता है। तो ये जो साइड लोब हम लोग बोलते हैं ना कि रेडिएशन पैटर्न है ऐसे, तो ये साइड लोब है, ये साइड लोब कहाँ से आता है, इसी सब के कारण से। साइड लोब मतलब जिसमें उतना पावर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा जो लोब है, ये सारा हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी के कारण ये साइड लोब होता है, क्योंकि इन सब में ज़्यादा पावर है नहीं, ठीक है। ज़्यादा पावर कहाँ है, ये वाले में, ये मेजर लोब है, तो ये एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है। बाकी जितना ज्यादा हार्मोनिक्स होते जाएगा उतना ज्यादा साइड लोब होगा, ठीक है। तो यागी उडा हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोगों को कोनिकल डाइपोल एंटीना पढ़ना है। अब कोनिकल डाइपोल में हम लोग क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2λ/2 डाइपोल्स, हाफ वेव रिंग जो डाइपोल हम लोग पढ़े हैं, दो डाइपोल लेते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से लगभग 30 डिग्री पे रखते हैं। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, ये एक डाइपोल ये हुआ, ठीक है, दूसरा वाला ये पहला डाइपोल हुआ, दूसरा वाला सिमिलर वे में ये है। अब 30 डिग्री मतलब मेरा अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये वाला जो है वो 30 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। मतलब अगर ये ऐसे है तो मेरा एक डाइपोल जो है ऐसे रखाएगा, ये 30 डिग्री, दूसरा डाइपोल जो है ऐसे रखाएगा वो भी 30 डिग्री पे। तो वही है कि इंक्लाइंड एट अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हम लोगों का 30 डिग्री के एंगल पे हम लोग रखते हैं अपना डाइपोल को, जो कि हम लोग को इस फिगर से दिख रहा है, ठीक है। इसको कोनिकल डाइपोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोन जैसा लग रहा है ना, कोन के जैसा, सिमिलर टू अ सेक्शन ऑफ कोन, एंड अ स्ट्रेट रिफ्लेक्टर इज प्रोवाइडेड बिहाइंड द कोनिकल पोल। ये हम लोग डाइपोल तो ऐसे अरेंज कर दिए दो डाइपोल लेकर के, अब इसमें रिफ्लेक्टर भी लगाते हैं, ये रहा रिफ्लेक्टर बिहाइंड द कोनिकल डाइपोल, मतलब कोनिकल डाइपोल जो हम लगाए हैं उसके पीछे, तो यहाँ पे हम ये रिफ्लेक्टर लगाए। ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, इधर से जो भी रेडिएशन उधर जाएगा रिफ्लेक्टर सारे को इस डायरेक्शन में वापस भेजेगा, ठीक है। Sometimes a horizontal dipole is provided in between the two half-wave dipole. कभी कभी क्या होता है कि ये जो dipole है ना उसके बीच में एक और ऐसे करके dipole antenna लगा देते हैं, लेकिन वो generally नहीं होता है, कभी कभी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। यागी antenna का कितना था impedance, जो folded dipole और ये सब करते थे, around 300 ohm, इसका कितना होता है 150 ohm, फिर भी normal एक dipole से ज़्यादा अच्छा, एक dipole का तो 73 ohm रहता है, तो कम से कम यहाँ दो कर रहे हैं इसका लगभग 150 ohm रहता है, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न कंटेन्स ओनली वन मेजर लोब, मतलब इसमें एक ही मेजर लोब होगा, एंड टिल्टिंग ऑफ डाइपोल रॉड शिफ्ट्स द डायरेक्शन ऑफ स्प्लिट लोब्स प्रोड्यूसेस एट थर्ड एंड फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सो दैट दे कंबाइन टू प्रोड्यूस अ मेन फॉरवर्ड लोब इन ब्रॉडसाइड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ये एंटीना हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि अभी हम लोग क्या पढ़े कि हायर फ्रीक्वेंसी हायर VHF के लिए अलग एंटीना होगा, लोअर के लिए अलग होगा एंटीना। तो अभी रिसर्चर्स जो है उन्होंने क्या सोचा कि दो एंटीना लगाने से अच्छा है
या फिर जो मल्टी बैंड एंटीना है वो लगाने से अच्छा है कि ना कुछ ऐसा एंटीना बनाए, ऐसे दो एंटीना को रखे कि वो क्या करेगा, वो दोनों को रिसीव करेगा, लोअर वाले को भी और हायर वाले को भी। लेकिन दोनों को रिसीव करने में क्या प्रॉब्लम था, लोअर वाला जो एंटीना है उसके कारण हार्मोनिक्स क्रिएट हो रहा था, थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक्स पे बहुत ज़्यादा साइड लोब होता था, जैसे 3F और 4F पे। ठीक है, सेकेंड एफ में तो फिर भी उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2F पे क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो फिर भी यहाँ ज़्यादा बना दिए, ये थर्ड और फोर्थ होते होते ये बिल्कुल कम हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जैसे ये अभी इस तरह रखा हुआ है, जैसे ही हम इसका मान लो इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, तो क्या होगा, ये जो साइड बैंड्स, जो साइड लोब आ रहा है हार्मोनिक थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज के बाद, वो क्या करेगा, ओरिएंट करेंगे, तो वो साइड लोब सारा आपस में मिल करके अब वो एक तरह से मेजर लोब बन जाएगा। जैसे होता है ना, एक एक रुपया जमा करके 100 रुपया जमा करना, तो वही चीज़ हुआ कि साइड लोब है, ठीक है साइड लोब में ज़्यादा पावर होता नहीं है, लेकिन वैसा वैसा अगर बहुत सारा साइड लोब को कंबाइन कर लेंगे तो वो क्या करेगा, एक मेजर लोब बन जाएगा। तो यहाँ पे यही होता है कि इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो साइड लोब जो है वो कंबाइन कर लेता है फॉरवर्ड लोब बनाने में। ठीक है, इसका क्या फायदा है, जो एडवांटेज है, फॉर कन्वेंशनल डाइपोल, कन्वेंशनल मतलब जो क्लासिकल डाइपोल हम लोग पढ़े थे, नॉर्मल जो लैम्डा बाय टू डाइपोल होता है, उसमें हम लोग सेम एंटीना नहीं यूज कर सकते हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन ये जो कोनिकल एरे एंटीना है, इसको एरे बोलेंगे क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट यूज है इसमें, एक से ज्यादा एंटीना है, दो डाइपोल एंटीना यूज किया है, तो ये जो कोनिकल एंटीना एरे है वो क्या है, ऑल VHF चैनल के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, अब इसमें ये दो एंटेना है, हम लोग चाहें तो ऐसा ऐसा कोनिकल एरे, ये जो एक कोनिकल एरे है उसका वैसा वैसा हम लोग दो चार एक साथ स्टैक कर सकते हैं, तो उससे और बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कोनिकल डाइपोल एरे। अब आता है इनलाइन एंटेना। ये इनलाइन एंटेना भी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि हायर VHF और लोअर VHF को क्या करें। तो हम लोग देखे थे कि दोनों के लिए अलग अलग एंटेना यूज कर सकते हैं। तो अब कोई रिसर्चर क्या बोला कि एक काम कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा यागी एंटीना ही है कोनिकल डाइपोल में। क्या है, थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, डाइपोल एंटीना को कंस्ट्रक्ट करना भी बनाना भी बहुत आसान है, उसका जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। तो साइंटिस्ट क्या बोले कि क्यों ना यागी एंटीना से ही हम लोग कोशिश करें ऐसा एंटीना बनाने का जो कि लोअर VHF में भी काम करे, अपर में भी काम करे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी कम होता है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एंटीना का लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लोअर VHF, लोअर VHF मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब एंटीना का लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। हायर VHF, जो हायर VHF रेंज है उसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब कि उस एंटीना का लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो अगर अलग अलग एंटीना हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि लोअर VHF बैंड के लिए एंटीना का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा होगा, हायर VHF के लिए लेंथ छोटा होगा। तो अभी ये लोग ने क्या किया कि यागी एंटीना में जहाँ हम लोग सिर्फ एक फोल्डेड डाइपोल करते थे, ये लोग क्या किए, एक डाइपोल की जगह दो डाइपोल डाले, एक छोटा डाइपोल और एक लंबा डाइपोल। छोटा डाइपोल किसके लिए, हायर बैंड के लिए, लंबा डाइपोल किसके लिए, लोअर के लिए, जो कि यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं। ये क्या है, फोल्डेड डाइपोल है लेकिन ये लॉन्ग है, तो लॉन्ग डाइपोल मतलब लेंथ ज़्यादा है, तो ये कौन सा सिग्नल को, कौन सा फ्रिक्वेंसी को पिकअप करेगा, लोअर वाले को, और ये लेंथ इस डाइपोल का कम है तो ये क्या करेगा, हायर VHF को रिसीव करेगा। और ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, तो अब ये वाले हाई बैंड डाइपोल से ज़्यादा तो होगा ही, लेकिन रिफ्लेक्टर का लेंथ ज़्यादा किससे होना चाहिए, दो डाइपोल में से जिसका भी लेंथ ज़्यादा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये जो सबसे बड़ा वाला है उससे भी ज़्यादा बड़ा रिफ्लेक्टर को होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर लगाएंगे, डायरेक्टर का भी लेंथ छोटा होगा डाइपोल से, इसलिए ये सारा जो डायरेक्टर है इसका लेंथ छोटा है। ठीक है, इसको कहते हैं इन लाइन एंटीना। इन लाइन एंटीना में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लैम्डा बाय टू फोल्डेड डाइपोल अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्टर फॉर लोअर VHF बैंड, मतलब लोअर जो हमारा बैंड है उसके लिए हम लोग एक फोल्डेड डाइपोल एंटीना लेते हैं और एक रिफ्लेक्टर लेते हैं, विच इज इन लाइन। इन लाइन मतलब साथ में किसके है, एक शॉर्टर लैम्डा बाय टू फोल्डेड डाइपोल, मतलब ये वाला जो डाइपोल है छोटा डाइपोल एक लेते हैं जो कि अपर VHF के लिए बना होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डाइपोल इज अप्रोक्सीमेटली लैम्डा बाय 4 एट हाई बैंड डाइपोल फ्रीक्वेंसी एंड कनेक्ट टू द रिसीवर। अब दो डाइपोल है तो दोनों को हम लोग को भेजना है रिसीवर में, तो ये जो भी ट्रांसमिशन लाइन हम लोग कनेक्ट करेंगे ना, तार से कनेक्ट करेंगे दोनों को, तो वो तार का लेंथ कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 4।
ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं लैम्डा बाय 4 लेंथ के वायर से, उसके बाद उस वायर को हम लोग रिसीवर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि जो रेडिएशन पैटर्न है वो सभी लोअर के लिए भी और हायर VHF के लिए भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, लोअर में भी अच्छा गेन देता है एक ही डायरेक्शन में और हायर में भी अच्छा गेन देता है। तो ये था हमारा VHF के बारे में। अब UHF जो है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हम लोग दूसरे टाइप का एंटेना लेते हैं। हालांकि टीवी सिग्नल को हम लोग VHF और UHF दोनों पे ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन VHF में क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी नहीं है तो उतना ज़्यादा अटेन्यूएशन नहीं होता है, लेकिन UHF में जब हम लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अभी जैसे हम लोग VHF में देखे थे कि फ्रिंज एरिया में सिग्नल लेवल कम होता है तो हम लोग को ज़्यादा गेन वाला एंटेना चाहिए, सिमिलर वे में UHF में क्या होगा अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सिग्नल का अटेन्यूएशन होना मतलब जो भी सिग्नल आएगा धीरे धीरे जितना ज़्यादा दूर ट्रैवल करते जाएगा सिग्नल अटेन्यूएट हो करके उसका एनर्जी एकदम कम हो जाएगा, वीक सिग्नल मिलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, UHF एंटीना जो होगा उसका गेन और डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो कितना भी वीक सिग्नल हो उसको पिकअप कर सके। ठीक है, तो UHF मतलब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, इसीलिए माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का एंटेना यूज़ करते हैं जिसमें कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी हो रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन और डिफ्रेक्शन, ये सब हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करके और उसको डायरेक्टिव बनाते हैं, ज़्यादा गेन लाते हैं। तो दो टाइप का हमारा सिलेबस में भी हम लोगों को पढ़ना है, UHF एंटेना, बोटाई एंटेना और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो VHF एंटेना को हम लोग UHF एंटेना में UHF बैंड में नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि VHF बैंड में अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग को जो एंटेना चाहिए उसका गेन और डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं बोटाई एंटेना, बोटाई या फिर इसको कहते हैं डाई फैन, सब ये एंटेना के स्ट्रक्चर पर ही नाम जो है वो डिपेंड करता है। बोटाई मतलब क्या होता है, जैसे पार्टी वगैरह में कॉलर पे वो जनरली देखे होगे वेटर वगैरह को, ठीक है, इस टाइप का गले में पहने रहता है। ठीक है, तो ये उसी तरह लग रहा है ना, ये एंटेना, ये एक प्लेट ये दूसरा प्लेट, तो ऐसा लग रहा है ना बोट आई जैसा। ठीक है, ये तुम्हारा वेटर है, ये गला में पहना हुआ है, तो ये बोट आई हुआ, तो उसके जैसा भी लग रहा है या फिर डाय फैन, फैन की तरह भी लग रहा है, डाय मतलब दो, दो फैन की तरह लग रहा है। तो बिल्कुल जैसा दिखता है उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। और जहाँ भी हम लोगों को डायरेक्टिविटी चाहिए या गेन चाहिए वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्टर जरूर लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टिविटी चाहिए मतलब एक ही डायरेक्शन में हम लोगों को ये करना है, एक डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे मिरर रेडिएशन पैटर्न एक ही डायरेक्शन में जाए और बिल्कुल डायरेक्टेड हो, उसके लिए हम लोग रिफ्लेक्टर लगाएंगे। रिफ्लेक्टर क्या करेगा, दूसरे डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगा, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा सारे सिग्नल को। ठीक है, तो एज फॉर VHF बैंड यागी इज़ बेसिक एंटेना, मतलब अगर कोई बोले कि VHF बैंड में भी तो हम लोग को गेन चाहिए ना, इसीलिए डिसेप्शन के लिए हम लोग क्या बोले थे कि रिसीवर एंटेना अगर बनाना है तो लैम्डा बाय 2 डाइपोल एंटेना काफ़ी है, लेकिन अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर में बहुत ज़्यादा दूरी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक डाइपोल से नहीं होगा, हम लोग को एरे चाहिए। ठीक है, तो VHF बैंड में सबसे अच्छा जो एंटेना होता है वो ये होता है यागी उडा एंटेना। हम लोग देखे भी यागी उडा, सिंपल यागी उडा भी देखे, उसके बाद हम लोग को ये भी प्रॉब्लम आया कि VHF में लोअर और हायर के लिए अलग अलग एंटेना लगाना पड़ रहा है, तो अब हम लोग ये चीज़ देखिए कि कोनिकल डाइपोल थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन एट द एंड हम लोग क्या किए, सेम चीज़ यागी में करें, कोई जो सॉल्यूशन निकाले वो यागी में ही सॉल्यूशन निकाले कि एक छोटा डाइपोल लगाए एक बड़ा डाइपोल लगाए। ठीक है, तो यागी एंटेना जो है वो बेसिक एंटेना है VHF के लिए। सिमिलर वे में ये जो बोटाई एंटेना है, ये वाला जो एंटेना हम लोग देख रहे हैं वो UHF बैंड के लिए बिल्कुल सिंपल एंटेना है। इसमें भी वही करते हैं, ये जो डाइपोल है ये डाइपोल एंटीना ही है लेकिन इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग डाइपोल एंटीना पढ़ रहे थे वो मान लो कि सिलिंड्रिकल शेप का पढ़ रहे थे, ये सिलिंड्रिकल शेप है, स्ट्रेट था ना, ये डाइपोल मतलब दो पोल, इसका जो दो पोल रहता था वो स्ट्रेट सिलेंडर टाइप था, और यहाँ पे ये जो दो पोल है वो क्या है, ट्रायंगुलर टाइप का है। जैसे ये डाइपोल, इसको भी डाइपोल एंटीना कहते हैं, इस टाइप का भी डाइपोल एंटीना होता है। ठीक है, दो पोल है, एक ये वाला पोल है एक ये वाला पोल है, लेकिन क्या है कि ये पूरा स्ट्रेट नहीं है। उसी तरीके से ये दो पोल है लेकिन ट्रायंगुलर, जो डाइपोल है वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, और क्या है, मेड ऑफ मेटल शीट इंस्टेड ऑफ रॉड। अभी तक हम लोग क्या रॉड के तरफ पढ़ रहे थे डाइपोल, कि हमारा ये डाइपोल एंटीना है तो ये रॉड था, लेकिन अभी क्या है, मेटल शीट है, ट्रायंगुलर मेटल शीट। ठीक है, अब ये जो
ट्रायंगुलर मेटल शीट है जिसको कि हम लोग डाइपोल एंटीना की तरह यूज कर रहे हैं, और उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर जो स्क्रीन लगा रहे हैं उससे हम लोगों को बहुत ही वाइड बैंडविड्थ का रिस्पॉन्स मिलता है तो डाइपोल एंटीना, डाइपोल एंटीना है तो रेडिएशन पैटर्न तो फिगर ऑफ एट जो है उसी तरीके से देगा, लेकिन इसका जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत होता है, ब्रॉड बैंड रिस्पॉन्स। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ब्रॉड बैंड रिस्पॉन्स के लिए कौन सा एंटीना दे रहा है, तो बोटाई एंटीना। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम लोग रिफ्लेक्टर देखते थे कि अगर ये डाइपोल एंटीना है रिफ्लेक्टर भी ऐसे रॉड की तरह रहता था, लेकिन इसमें क्या है एक मैश स्क्रीन की तरह है, मैश स्क्रीन रिफ्लेक्टर, मतलब हम लोग पतले पतले वायर का एक मैश जैसा बनाते हैं, जाल जैसा। ठीक है, मैश मतलब जाल, वो जाली को हम लोग डाइपोल एंटीना के पीछे रखते हैं जो कि रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो अब मैश रिफ्लेक्टर, मैश स्क्रीन रिफ्लेक्टर इंस्टेड ऑफ रॉड रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड एट इट्स बैक। ठीक है, पहले हम लोग रॉड वाला यूज करते थे, हम लोग डाइपोल भी रॉड वाला यूज कर रहे थे और रिफ्लेक्टर भी, लेकिन अभी इसमें क्या कर रहे हैं मेटल शीट से डाइपोल बना रहे हैं और मैश स्क्रीन बना रहे हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है अगर हमको और ज्यादा गेन चाहिए तो हम लोग ये जो सेट ऑफ डाइपोल है वो और ज्यादा डाइपोल और ज्यादा एरे बना देंगे, ऐसा ऐसा दो चार डाइपोल हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो गेन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टर होता है ना मैश स्क्रीन रिफ्लेक्टर, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है जो रॉड रिफ्लेक्टर होता है उससे, लेकिन इसका दिक्कत क्या होता है थोड़ा सा साइज बड़ा रहता है। ठीक है, भारी हो जाता है जो भी डिवाइस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये रॉड वाला जो रहता है वो क्या होता है सिंपल होता है, लेकिन पूरा एक मैश स्क्रीन को लगाना वो एंटीना को बल्क बना देता है। जो दूसरा तो वो था हमारा बोट आई एंटीना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ना है, बस ये देखना था इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है, उसमें क्या होता है, रॉड की जगह हम लोग मेटल शीट यूज़ करते हैं, वहाँ पे रॉड रिफ्लेक्टर यूज़ करते थे VHF में, यहाँ हम लोग जो है मैश स्क्रीन रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, पैटर्न यूनिडायरेक्शनल होता है, गेन बहुत ज़्यादा होता है और ब्रॉड बैंड रिस्पॉन्स, ब्रॉड जो उसका वाइड रिस्पॉन्स होता है ये कह सकते हैं कि उसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो हो गया बोटाई, दूसरा जो एंटेना है वो है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना में क्या करते हैं, इसमें मेन चीज़ जो है वो रिफ्लेक्टर है। पिछले एंटेना में हम लोग बोटाई में हम लोग क्या देखे, मैश स्क्रीन रिफ्लेक्टर था लेकिन वो एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन टाइप का था, ऐसे करके सिंपल एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन। लेकिन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में क्या होता है, नया जो रिफ्लेक्टर होता है वो ऐसे कर्व होता है, जैसे पैराबोला है, मैथ्स में पढ़ो ना पैराबोला का कर्व कैसे बनाते हो ऐसे। ठीक है, तो ये स्क्रीन भी कुछ इसी तरीके से है पैराबोला, इसीलिए इसको बोला है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना, मतलब ऐसा एंटेना जिसमें जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ हो वो पैराबोलिक हो। ठीक है, तो ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि अगर कुछ इस टाइप का एंटेना लगा हुआ है तो और ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, लेंस भी पढ़े होगे, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, तो सबका फोकल लेंथ होता है। तो जो एंटीना हम जो सिंपल जो डाइपोल एंटीना को प्लेस करते हैं ना, वो इस जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसके फोकल पॉइंट पे प्लेस करते हैं, जनरली वो उसके सेंटर पे होता है। तो इन दिस एंटीना डाइपोल इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये रहा मेरा डाइपोल, इसको हम ये जो मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इसके फोकल पॉइंट पे प्लेस किए। फोकल पॉइंट क्या होता है, मान लो कि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस पड़े थे ना, तो मान लो कि अगर ये कॉनकेव लेंस है, ये बीच वाला पॉइंट है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जहाँ पे सारा रेज जो भी है रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि UHF के लिए हम लोग कौन सा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ना, रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ये सब का। तो ये जो फोकल पॉइंट है या लाइट प्रॉपर्टी है, ये जो फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, ये सारा कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकल पॉइंट पे हम लोग डाइपोल रखते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल, दो इन एन इनवर्स वे। जो तुम्हारा जो गाड़ी में या फिर बाइक के उसमें जो हेडलाइट पे जो ऊपर से कवर लगा रहता है ना, तो वो सिंपल वो एक मिरर नहीं होता है, वो रिफ्लेक्टर होता है, ताकि तुम जब तुम रात में जाओ तो वो ऐसा नहीं है कि लाइट तुमको देखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उस टाइप से लगा रहता है। तो जो भी प्रिंसिपल उसमें यूज़ होता है उसको ऑपोजिट यहाँ पे है। इसमें क्या होता है, इनकमिंग वेव है, इनकमिंग वेव क्या होता है, रिफ्लेक्टर के द्वारा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है डाइपोल, मतलब जो भी इनकमिंग वेव आ रहा है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टर से टकराया, रिफ्लेक्टर क्या करेगा, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अपने फोकल पॉइंट पे उसको फोकस करेगा। ये चीज़ हम लोग देखते थे ना कि वे आता था, लेंस से टकराता था, फोकल पॉइंट पे गया, फिर दूसरा रे आया, लेंस से टकराया, फोकल पॉइंट पे आया, सिमिलर वे में इधर से लेंस पे टकराया, ये अपने फोकल पॉइंट पे मिलता था, इसी टाइप का रहता था। ठीक है, फिजिक्स में
तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी ईएम वेव आएगा ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से टकराएगा और एक जगह कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब ये रिसीवर एंटेना जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया यहाँ पे इनवर्स वेव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रेडेड लाइट आ रहा है और ये रिफ्लेक्टर एंटेना क्या कर रहा है, उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लेकिन तुम्हारे बाइक में या गाड़ी में क्या होता है, तुम्हारा जो हेडलाइट होता है उसका काम क्या होता है, वो जो उसमें जो पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टर लगा रहता है उसका काम होता है लाइट को पूरे रोड पे फैलाना, ठीक है, डाइवर्ज करना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्ज मतलब कोई भी चीज को हर डायरेक्शन में फैलाना, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, आकर के एक पॉइंट पे मिलना। तो ये फैलाने वाला जो होगा वो हेडलाइट वाले में होता है, हालांकि इसमें भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ही लगता है, और ये जो कन्वर्ज वाला है वो वाला हम लोग यूज करते हैं यहाँ एंटेना के केस में, कि जितना भी ईएम वेव आ रहा है रिफ्लेक्टर क्या करेगा, उसको अपने फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि रिफ्लेक्टर जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, तो हम लोग अपना रिसीवर एंटेना फोकल पॉइंट पे लगा दिए। इससे क्या होगा, मेरा गेन भी बढ़ा और डिरेक्टिविटी भी बढ़ा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एंटायर पैराबोलिक स्ट्रक्चर ओनली अ सेक्शन इज यूज्ड, हम लोग पूरा एकदम इसको पैराबोला नहीं बनाए, थोड़ा सा सेक्शन काफी है, ठीक है। बाकी ये सब कोई खास बात नहीं है, जब पढ़ सकते हो। इन एरियाज वेयर बोथ UHF एंड UHF स्टेशन आर इन ऑपरेशन कॉम्बिनेशन एंटेना सर्व टू सिंप्लीफाई रिसेप्शन प्रॉब्लम, मतलब मान लो कोई एरिया है जिसमें UHF में भी ट्रांसमिशन हो रहा है, VHF में भी हो रहा है, तो अभी क्या होगा, VHF के लिए हम जो एंटेना लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि UHF वाले किसी भी सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा, या UHF के लिए जो एंटेना है वो VHF वाले को भी रिसीव कर लेगा, लेकिन सही ढंग से तो करेगा नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ एंटेना लगा लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंटेना, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन एंटेना जो यूज में है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लो बैंड कोनिकल एंटेना एंड अ ब्रॉड बैंड फैन डाइपोल एंटेना। हम लोग कोनिकल एंटेना देखे थे VHF के लिए, और अभी हम लोग जो फैन डाइपोल या फिर उसको बोटाई एंटेना का वो देखे थे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिकली मोनोक्रोम के लिए पढ़ रहे थे। अब अगर हम लोग बात करें कलर टीवी का, कि कलर टीवी में क्या होता है, ठीक है, तो मोनोक्रोम में क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है, हम लोग बस चाहते हैं कि हाँ हमारा गेन ज़्यादा हो, ताकि जो भी अटेन्यूएशन हुआ है सिग्नल को आने में वो सारा कॉम्पनसेट हो जाए, ठीक है। और वही इसमें लिखा है कि द फोकस इज ऑन हाई गेन टू कॉम्पनसेट फॉर हायर ट्रांसमिशन लॉस एंड लोअर रिसीवर सेंसिटिविटी एट हाई फ्रिक्वेंसी। रिसीवर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, कि रिसीवर कितना सेंसिटिव है, होता है ना, ये किसी को थोड़ा सा भी छू भी दो तो वो बोलेगा अरे हमको दर्द हो गया, तो बोलते हैं ना कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है। उसी तरीके से रिसीवर सेंसिटिविटी क्या होता है, कि रिसीवर सेंसिटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वीक सिग्नल भी आएगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब हल्का सा भी बोलते हैं ना, हल्का सा भी पिंच करोगे किसी को तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये हमको मारा है, ठीक है। लेकिन रिसीवर के केस में वही चीज़ को कैसे समझेंगे, कि अगर सेंसिटिविटी हाई सेंसिटिविटी रिसीवर है, मतलब उसका सेंसिटिविटी बहुत हाई है, मतलब अगर वीक सिग्नल भी आ रहा है तो तुरंत रिसीवर को पता चल जाएगा कि अच्छा वीक सिग्नल आ रहा है, सिग्नल है वहाँ पे। लेकिन अगर किसी का सेंसिटिविटी बहुत लो है तो क्या होगा, कितना भी हाई इसका आएगा सिग्नल वो नहीं पकड़ पाएगा। मान लो कोई कोई मोबाइल में क्या देखते हो कि कभी सिग्नल नेटवर्क प्रॉब्लम लो है, लेकिन जो महंगा वाला मोबाइल रहता है उसमें क्या होता है, वीक सिग्नल में भी वो बात करा देता है। तो मोबाइल फोन का अगर दाम बढ़ता है तो उसका यही सब फीचर बढ़ता है, ठीक है। तो इस केस में, लेकिन हमारा जो कलर टीवी एंटीना होता है उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेन में ही फोकस करना है, ठीक है, गेन में ही सिर्फ फोकस नहीं करना है। अब प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है ये बताते हैं। हम लोग अलग अलग चैनल पढ़े थे, चैनल 1, चैनल 3, चैनल 4, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल अगर लेते हैं कि चलो चैनल 4 है, 61-68 मेगाहर्ट्ज़ का है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि हर एक चैनल कितने से कितने मेगाहर्ट्ज़ तक का है, और कैसे पता चलेगा कि साउंड वाला कहाँ पे कैरियर है और पिक्चर कैरियर कहाँ पे है, तो वो निकालना हम लोग देख लिए थे, ठीक है। ये जो लोअर वाला है उसको ए मानते थे, इसको बी मानते थे, तो उस हिसाब से कि ए प्लस 2.25 जो है वो पिक्चर का होगा, बी माइनस 2.25 जो होगा वो साउंड के लिए होगा। तो अभी क्या है कि अलग अलग चैनल में गेन अलग अलग होता है। मान लो कोई एंटेना है मेरे पास,
उसको हम चैनल 4 के सिग्नल का के रिसेप्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका गेन कुछ अलग होगा, वही अगर हम चैनल 1 में उसको ऑपरेट कराएंगे उसका गेन कुछ अलग होगा। तो अलग अलग चैनल में गेन अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, एक ही चैनल है उसमें भी गेन वेरी करता है। जैसे मान लो ये मेरा चैनल है 61 से 68, अभी गेन कैसे वेरी करेगा, शुरू में तो गेन एकदम हाई रहता है लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो चैनल का जो एंड फ्रीक्वेंसी है वहां तक जाते जाते गेन डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अलग अलग चैनल में यहाँ पे क्या लिखा है कि इन सच एंटीना गेन नॉट ओनली वेरीज फ्रॉम चैनल टू चैनल, मतलब गेन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल टू चैनल ही वेरी करता है लेकिन ऑल्सो फ्रॉम वन एंड ऑफ चैनल टू अदर। मतलब ये एक चैनल है चैनल 4, इसका एक एंड ये है दूसरा एंड ये है 61 टू 68 मेगाहर्ट्ज़। तो 61 मेगाहर्ट्ज़ पे जो गेन है और 68 मेगाहर्ट्ज़ पे जो गेन है वो भी डिफरेंट होगा, धीरे धीरे क्या होता है डिक्रीज करता है, ये पूरा नीचे तक टच नहीं करता है, ऐसा मत सोचो, यहाँ से आएगा और ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो 68 पे कितना गेन है ये वाला, जबकि 61 पे कितना, अगर मान लो ये 10 dB गेन है तो ये 8 dB गेन हो जाएगा। तो विद इन अ चैनल भी गेन बदल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मोनोक्रोम में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन कलर में क्या होता है, कलर में अब हम लोग क्या जाने हैं, कैरियर जो होता है वो कहाँ कहाँ होगा। जो मेरा पिक्चर कैरियर है, मान लो अगर ये 61 टू 68 वाला बैंड है तो पिक्चर कैरियर मेरा कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे, ठीक है, 62.25 मेगाहर्ट्ज़ पे। साउंड वाला इधर साइड होता है, साउंड वाला 67.75 पे, वो लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कलर वाला, जो कलर टीवी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, कलर टेलीविजन में क्या होता है, पिक्चर और साउंड के अलावा एक कलर कैरियर भी होता है। वो कैरियर क्या करता है, जो एक प्रॉपर कलर है वो प्रोड्यूस करता है। तो कलर कैरियर समवेयर 66.68 पे होगा, मतलब वो लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरा गेन जो है वो तो डिक्रीज होते जा रहा है। तो जो भी पिक्चर कैरियर है, पिक्चर कैरियर का जितना गेन है उससे कम गेन होगा ना मेरा कलर कैरियर का, क्योंकि ये तो लास्ट में कलर कैरियर है 66 पॉइंट समथिंग पे, मतलब 68 के नज़दीक, तो लास्ट में जाते जाते तो ये पूरा ऐसे डिक्रीज होने लगता है। तो अगर मेरा रिस्पॉन्स इस टाइप का है कि गेन यहाँ से बढ़ा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो कलर वाला है उसका गेन कम हो जाएगा। अब क्या होता है, हाँ ये चीज़ सही है कि कलर का गेन कम होगा और उससे भी ज़्यादा कम किसका गेन हो जाएगा, साउंड का, क्योंकि साउंड तो और बाद में है। ये मेरा हो गया पिक्चर, ये हो गया कलर और ये वह तीसरा वाला हो गया साउंड। तो पिक्चर का सबसे ज़्यादा अच्छा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है पिक्चर से क्योंकि यहाँ पे जब शुरू में चैनल है वहाँ पे गेन अच्छा है। उसके बाद क्या आता है, कलर, कलर पे गेन कम हो जाता है और उसके बाद साउंड आता है तो और गेन कम हो जाता है। लेकिन साउंड का अगर गेन कम हो रहा है तो हमको उतना कोई चिंता करने वाला बात नहीं होता है कलर टीवी में, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि साउंड के लिए अलग से पूरा एक कंट्रोल प्रोवाइडेड होता है। साउंड का वॉल्यूम हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाना मतलब क्या होता है, गेन बढ़ाना। तो अगर साउंड में कम गेन हो रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए अलग से सर्किटरी है तो वो सब हो जाएगा। लेकिन कलर वाले कैरियर का अगर गेन कम होता है ना तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। वो क्या करता है, हमारा जो चेंज इन ह्यू कर देता है, जो पिक्चर में ह्यू सैचुरेशन ये सब होता है ना, तो ह्यू चेंज कर देता है और उसको हम लोग एक्सटर्नली जो है अलग से उसको सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी कभी देखते होंगे पहले वाले टीवी में क्या होता है कि अगर मान लो कि टेलीविजन में कुछ दे रहा है, कोई रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है तो वो रेड कलर नहीं करके वो थोड़ा ऑरेंज टाइप का लगेगा, मतलब उसका कलर का जो एक ह्यू रहता है ना वो चेंज हो जाता है। कोई अगर येलो पहना हुआ है तो वो येलो कलर नहीं होकर हो सकता है कि ग्रीन टाइप का दिखे, या कोई ग्रीन पहना है तो वो थोड़ा येलो टाइप का दिखेगा, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो कलर टीवी में हम लोगों को चाहिए कि ये जो रिडक्शन इन गेन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ दिस एंटीना इज यूज्ड फॉर कलर टीवी रिसेप्शन द कलर सिग्नल स्पेक्ट्रम लाइन अराउंड 66.68 मेगाहर्ट्ज विल रिसीव ऑलमोस्ट 2 dB लेस गेन देन द वीडियो कैरियर एंड मोस्ट ऑफ असाइनमेंट। मेरा वीडियो कैरियर जो पिक्चर कैरियर है वो इधर है, तो इसका जितना भी गेन है अगर यहाँ 10 dB है तो ये जो कलर वाला कैरियर है उसको लगभग 2 dB कम गेन मिलता है, ठीक है। इट इज ट्रू दैट द चैनल साउंड सिग्नल स्पेक्ट्रम रिसीव्स इवन लेसर गेन देन द कलर कॉम्पोनेंट बट दिस डज नॉट अफेक्ट द रिसीवर रिप्रोडक्शन। साउंड को कलर वाले से भी कम गेन मिलता है लेकिन ये उतना ज़्यादा असर कुछ नहीं करता है रिसीवर पे, क्यों,
because the picture contrast and sound volume control provided in receiver can be varied independently. हम लोग इसका जो है वो independently इसको vary कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अलग से होता है ना, remote से sound कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, picture contrast भी तुम लोग change कर सकते हो, remote में रहता है, ठीक है? However, the reduction in gain of color signal frequencies cannot be separately compensated and this result in poor quality picture. ठीक है, जो रिडक्शन इन जो कलर वाला जो कंपोनेंट होता है, अगर इसका गेन कम हो गया, अगर वो अच्छे से नहीं सिग्नल आया रिसीवर में, तो क्या होगा, वो जो पिक्चर होता है हमारा उसका क्वालिटी बिगड़ जाता है, ठीक है ना? तो दस अ चेंज इन गेन इन द रीजन ऑफ कलर सिग्नल स्पेक्ट्रम, जो चेंज इन गेन है, जो 2 dB का जो चेंज हो रहा है, वो क्या करता है, इट टेंड्स टू चेंज द ह्यू इन द पिक्चर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ स्लाइट शिफ्ट ऑफ कलर सिग्नल फेजर कैन टर्न रेड कलर टू ऑरेंज, येलो टू ग्रीन. ये जो कलर फेजर है, ये हम लोग जब नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे कलर टीवी, तो उसमें समझ में आएगा. तो उसमें क्या होगा, मतलब इसका अभी यही मतलब समझना है कि जो कलर है वो चेंज होता है, जो ओरिजिनल कलर है वो नहीं दिखता है. ठीक है, तो कलर टीवी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कैसा एंटेना चाहिए? ऐसा एंटेना जिसका कि एक चैनल में जो रिस्पॉन्स है, जो गेन रिस्पॉन्स है, वो फ्लैट रहे ऑल ओवर द रेंज, मतलब 61 से 68 तक वो एकदम फ्लैट चैनल है, इस टाइप का रहे, डिक्रीज नहीं हो, ताकि जितना गेन है पिक्चर का उतना ही गेन कलर का भी रहे, और वेरिएशन अगर होना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 dB का हो, उससे ज़्यादा नहीं हो. तो लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ कलर टीवी एंटीना इज फ्लैट रिस्पॉन्स ओवर द इंटायर चैनल, मैक्सिमम ऑफ 1 dB इज अलाउड. तो फ्लैट रिस्पॉन्स ओवर द इंटायर चैनल मतलब क्या हो गया, कि जो मेरा चैनल है, अगर ये मेरा 61 है, ये 68 है, तो इसका होना चाहिए फ्लैट रिस्पॉन्स. फ्लैट रिस्पॉन्स, फ्लैट रिस्पॉन्स मतलब अगर 61 dB पे 10 है, तो ये 10 से कम नहीं होगा, ये 68 तक 10 ही रहेगा, अगर ये 10 dB था तो. ये लग रहा है ना एकदम फ्लैट, मतलब एक जैसा, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लैट रिस्पॉन्स. तो कलर टीवी एंटीना के लिए हम लोगों को फ्लैट रिस्पॉन्स चाहिए. तो वैसा कौन सा रिस्पॉन्स देगा, लॉग पीरियोडिक एंटीना. लॉग पीरियोडिक एंटीना बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, जो हम लोग आगे उड़ा एंटीना पढ़े हैं उसी टाइप का है. ये क्या करता है, दिस एंटीना गिव्स फ्लैट रिस्पॉन्स, हम लोगों को कलर टीवी के लिए जो चाहिए. ठीक है, इसको लॉग पीरियोडिक एंटीना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इम्पीडेंस है वो वेरी करता है, जब इसको हम लोग लॉग एफ के साथ प्लॉट करेंगे, एफ के साथ नहीं, लॉग एफ के साथ. ठीक है ना, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हो क्रिस क्रॉस करके, जैसे इसका अगर ये प्लस है तो इसको कनेक्ट किए हैं ये वाले के माइनस से, और अगर ये माइनस है डाइपोल का तो इसको कनेक्ट किए हैं प्लस से. तो कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेंथ भी चेंज होते जा रहा है. ठीक है, तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि इम्पीडेंस चेंज होता है लॉग एफ से, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर इम्पीडेंस को लॉगरिथमिक ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ प्लॉट करें तो क्या हो रहा है, ये इम्पीडेंस कभी हाई हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है, इम्पीडेंस वेरिएशन हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये एंटीना को लगाए ही इस तरीके से हैं. दिस बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम द ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ एंटीना एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो लेंथ है, इसमें लेंथ देखो इतना बड़ा है, फिर जैसे जैसे ये आगे जा रहा है वैसे वैसे लेंथ छोटा होते जा रहा है, और इसका डिस्टेंस भी घट रहा है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिस्टेंस थोड़ा कम होते जा रहा है. तो हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा किए हैं कि मेरा इम्पीडेंस का कर्व इस टाइप का आ रहा है. ठीक है, तो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है लॉग पीरियोडिक का, उसमें क्या होता है, हम लोग 6 एलिमेंट लेते हैं, इसको 6 एलिमेंट एरे बोलते हैं. एरे मतलब वही है, एक से ज़्यादा एलिमेंट. इसमें हम लोग जो सिंपलेस्ट जो बेसिक डिज़ाइन होता है उसमें 6 एलिमेंट लेते हैं. ठीक है, 6 एलिमेंट में जो सबसे लार्जेस्ट जो डाइपोल होता है, जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होता है, वो सबसे पीछे होता है. ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी जो 5 होता है उसके आगे लगाते जाते हैं, और जो हर एलिमेंट जैसे इसमें देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं इस तरफ, वैसे वैसे लेंथ कम होते जा रहा है. तो वो लेंथ कितने रेशियो से कम होता जाएगा, 0.9, ये जो रेशियो है. ठीक है, मतलब अगर ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 0.9, L1/L2 जो है वो 0.9 होना चाहिए. ठीक है, और जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है ना डाइपोल में, वो भी कम होते जा रहा है, और वो किस फैक्टर से कम हो रहा है, 35% ऑफ क्वार्टर वेव स्पेसिंग, मतलब 0.35 लैम्डा, इससे कम होते जाएगा. तो जो यहाँ पे डिस्टेंस है
नेक्स्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 0.35 लैम्डा कम होगा। ठीक है, तो अब अलग अलग लेंथ का डाइपोल लगाए हैं, तो अलग अलग लेंथ का डाइपोल अलग अलग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये फर्स्ट वाला जो लार्जेस्ट डाइपोल है वो थोड़ा सा, अभी इसमें क्या है, ये लार्जेस्ट डाइपोल है, धीरे धीरे लेंथ कम हो रहा है। जो लार्जेस्ट डाइपोल है वो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी को लेगा, जैसे जैसे लेंथ कम हो रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो मान लो ये F6 है, ये F5 है, तो इसमें 6 एलिमेंट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F1 जो होगा लार्जेस्ट, जो L1 है जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी छोटा होता है, तो F1 सबसे छोटा होगा, F2 फिर F3 ऐसे ऐसे करके सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F6 होगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, L1 जो है वो सबसे बड़ा है, L2 L3 और सबसे छोटा क्या है L6। तो ये L6 जो है, जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो क्या करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा, और ये जो L1 है जो सबसे पहला वाला है वो सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा। ठीक है, तो जब इन सब इन छहों को जब एक साथ लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा एक F1 से F6 तक पूरा, अगर ये वाला मेरा है, ये F1 F2 F3 ऐसे से करके, तो ये एंटेना क्या है, 6 को साथ में लगाया, तो मतलब कि ये पूरा इतना बैंड कवर कर लेगा, हर फ्रीक्वेंसी पे डाइपोल लगा हुआ है लगभग, तो वो क्या होगा, वाइड बैंड दिया हम लोगों को और फ्लैट रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी पैरासिटिक एलिमेंट नहीं है, जैसा हम लोग यागयूरा में देखे थे कि रिफ्लेक्टर है, डायरेक्टर है, यहाँ पे क्या है, डाइपोल लगा हुआ है और हर डाइपोल में सोर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सब एक्टिव एलिमेंट है, और कैसे कनेक्टेड है, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय क्रॉस वायर नेट विच ट्रांसपोज द सिग्नल बाय 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। और सही बात है, यहाँ पे पहले हम लोग सिग्नल दिए प्लस माइनस, अभी ये क्या है, ये प्लस को भेज देते हैं माइनस की तरफ, ये माइनस को भेज दिए प्लस की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा कर दिए, 180 डिग्री शिफ्ट कर दिए। तो लॉग पीरियोडिक में क्या होता है, हम लोग डाइपोल को अरेंज करते हैं, जैसे जैसे इधर साइड बढ़ते हैं उस तरह से उसका लेंथ भी कम होता है और उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो भी कम होता है, और इसमें सभी एलिमेंट जो होता है वो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो कलर टीवी के लिए हम लोग लॉग पीरियोडिक एंटेना यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉग पीरियोडिक एंटेना कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम लोग इसका स्ट्रेट वाला वर्जन देखे थे, इसको हम लोग वीड एलिमेंट, मतलब इसको वी शेप में भी ले सकते हैं, थोड़ा सा टिल्ड करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो जो बेसिक जो नॉलेज है थोड़ा बहुत उसके लिए है, तो वो पढ़ सकते हो तुम लोग। और जो हमारा रिसेप्शन एंटेनास था, रिसीवर एंटेनास था, वो इतना ही था। तो ये मॉड्यूल इसी के साथ ख़त्म होता है, तो आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा और किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। थैंक यू।